नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज राजस्थान में चलने का आखिरी दिन है। आज यात्रा 23 किलोमीटर का सफर तय करेगी। आज की यात्रा कटी घाटी पार्क से मंगलवार सुबह करीब 6:30 पर शुरू हुई और अलवर शहर से होकर गुजरेगी। 21 दिसंबर की सुबह पहले फेज के दौरान यात्रा हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी। अलवर राहुल गांधी के नजदीकी कांग्रेस नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह का क्षेत्र है। राहुल की यात्रा के स्वागत के लिए क्षेत्र में कई दिनों से तैयारियां चल रही हैं। जिले से शकुंतला रावत और टीकाराम जुली गहलोत सरकार में मंत्री हैं। राजस्थान कांग्रेस के लिए राहुल गांधी की यात्रा के बहुत से सियासी मायने हैं। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों के बीच इस यात्रा की वजह से सियासी सीज फायर करवाया गया था। राहुल की यात्रा के गुजरने के बाद अब दोनों खेमों के बीच शांति बरकरार रहती है या नए सिरे से खींचतान बढ़ती है, इस पर सबकी निगाहें टिक गई हैं। राहुल गांधी ने मालाखेड़ा में हुई भारत जोड़ो यात्रा की राजस्थान की पहली जनसभा में राजस्थान सरकार की तारीफ करने के साथ यह भी साफ तौर पर मैसेज दिया कि आगे भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। राहुल ने मंत्रियों को हर महीने 15 किलोमीटर पैदल चलने का सुझाव दिया है। राहुल के इस सुझाव को मंत्रियों के जनता से कनेक्ट नहीं होने से जोड़कर देखा जा रहा है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।